हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइंड टेट के एक और नए लेक्चर में। और मैं सूरज चौहान लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इस पूरे लेक्चर में जो बात होगी वो है आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट आपका चैप्टर 5 है उसके इंडेक्स सॉल्यूशनों की। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे लेक्चर में आपके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में उनको लेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो पार्ट वन में आपको देखना जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उनको। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है कि डेड डोविनर ट्राइट्स आल्सो एग्जिट इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो आपसे पूछा गया है कि जो डोबरेनर थे, है ना, जो डोविन रेनर थे, है ना, थोड़ा सा मुझे वर्ड बोलने में दिक्कत होती है तो आप इसे इग्नोर मारिएगा। तो जो डोविन रेनर थे, ट्रायड था उनका, तो क्या था कि आप जैसे जानते होंगे कि वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जब प्रेडिक क्लासिफिकेशन हो रहा था तो अपना एक ट्रायड दिया था। ट्रायड का मीन ये है कि उन्होंने तीन एक कॉलम बनाए थे और उनमें एलिमेंट को जमाया था। तो उस बेसिस पे उन्होंने जमाया कि उन्होंने ये कहा कि जो आपका जो कॉलम है उसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है ना, उन दोनों का जो मास होगा, है ना, मतलब कि जो उसमें मास है उसका यदि एवरेज हम निकालें, और एवरेज का मतलब है कि उन दोनों का टोटल करें और टू से डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज आपका मास निकलेगा वो जो बीच में रहेगा उसके बराबर का रहेगा, मतलब कि जो सोडियम का मास होगा उसके मास के बराबर रहेगा। अब मैं जो है वो आपको निकाल के नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये छोटी सी एक्टिविटी यदि आप खुद करोगे तो आपको जो है अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस होगी। तो आप जो है क्या करिए, इनको खुद निकाल के देखिए कि लिथियम वगैरह का मास, पोटेशियम का, है ना, और उसको मैच कराइए कि सोडियम के साथ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसी तरह से कैल्शियम का निकालिए आप, बेरियम का निकालिए, उसको स्कोरडियम से मिलाइए। तो ये जो एक्टिविटी आपके लिए है आपको करनी है। मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो डोविनर का जो ट्राइड था और न्यूलैंड्स ऑक्टेव का जो रूल था उसमें कौन सी चीज़ हमको कंपेयर मिलती है या कंपेयर करने पे जो मिलती है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अब मैं आपको न्यूटन्स, माफ़ कीजिएगा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव की जो मैं आपको क्या बता देता हूँ, टेबल बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव की जो टेबल थी उसमें आप देखोगे कि जो ये वाला है हिस्सा, इसमें आप देखोगे लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, ये दोनों जो आपका है ना, ये तीनों जो एलिमेंट है वो आपके किसमें पाए जा रहे हैं, डोवरेनर की ट्राइड में भी पाए जा रहे हैं। आप देखोगे लिथियम, सोडियम और पोटासियम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। तो हमने जब इसको कंपेयर किया तो हमने क्या पाया कि हाँ, इसमें जो है हमको पाया जाता है कि डोवरेनर जो ट्राइड थी आल्सो एग्जिट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो बस इसमें इतना ही बताना था हमको। तो अब बढ़ते हैं हम आगे और अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। और हाँ, एक चीज़ और इसमें लिख देना आप कि एस, है ना, एस करके मतलब ये है कि आपसे पूछा है एस और नो में बताना है कि क्या जो डोविनर का ट्राइड था वो आपका एग्जिट करता है जो कॉलम है न्यूलैंड्स की, तो आपको बता देना हाँ जी उसमें करता है। बस इतना से भी आप आंसर दे दोगे और ये आप टेबल बनाओ तो बनाओ, ये एस और नो में भी आपका आंसर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट वर लिमिटेशन ऑफ डोवेनेरर क्लासिफिकेशन। तो जो डोवेनेरर थे आपके, तो उनका क्लासिफिकेशन आपने देख भी चुके होगे, पढ़ भी चुके होगे, तो उसके बेसिस पे आपको बतानी है कि उनकी लिमिटेशन क्या क्या थी। अब लिमिटेशन का मतलब ये होता है खामियां, है ना, तो कुछ खामियां रहती हैं टेबल में या जो है कुछ कमियां छोड़ देते हैं, उनको हमको बताना होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर पाए, है ना, तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर यही है कि इसकी हम लिमिटेशन लिखेंगे। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि दे वर नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी लो मास और वेरी हाई मास। तो पहली क्या है आपकी कि वो जो एप्लीकेबल नहीं था किसके लिए, सबसे कम मास के वाले एलिमेंट के लिए और सबसे ज़्यादा मास वाले एलिमेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा मास जैसे आपको अभी जो है खोज भी लिए गए हैं कई कई, जैसे कि आपके क्या हैं, पढ़े भी होंगे आपने यूरेनियम वगैरह, इनका बहुत मास होता है, या फिर आप लेके चलते हो आपका कौन, है ना, तो इस तरह के जो भी हमारे होते हैं एलिमेंट तो वो क्या है हाई मास के होते हैं, और उनको भी इन्होंने नहीं जमा पाए सही से या नहीं एप्लीकेबल कर पाए, और लो मास वाले जैसे कि हाइड्रोजन वगैरह को भी इन्होंने सही से नहीं बता पाए, है ना, आपने देखा भी होगा उनकी पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन वगैरह नहीं दिख रहा होगा। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये उनकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई।
दूसरी यदि हम लिमिटेशन की बात करें तो वो है आपकी कि ऑल दी एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इनटू डोवरनेरर्स ट्रायड। तो डोवरनेरर की जो ट्रायड थी उसमें सारे के सारे एलिमेंट फिट नहीं हो रहे थे। अब फिट होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, वो कुछ जो आपका मांस ले रहे थे तो वो इधर का उधर ले रहे थे या किसी को कम ज़्यादा ले रहे थे। जैसा कि मैंने आपको अभी लिया था जैसे सोडियम और मैंने क्या किया था लीथियम दोनों के जो मांस को मैंने कहा था यदि आप जोड़ोगे और उनको वो करोगे है ना किसको लीथियम और पोटासियम के मास का जो एवरेज निकालते हो वो सोडियम के मास के बराबर आता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या दिया था, तो उसको जब आप करके देखोगे तो आपको लगेगा कि उसमें से कुछ ना कुछ जो है मास जो है नहीं मिल पाएगा है ना। तो इसके कारण जो हम बोल सकते हैं कि उनके एलिमेंट जो थे वो सही से क्या हो नहीं हो पा रहे थे, उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे उनके ट्रायड में। और तीसरा यदि हम इसका पॉइंट देखें तो एज दी मेथड ऑफ कैलकुलेट एटॉमिक मास इम्प्रूव्ड है ना, तो जो कैलकुलेशन करने की जो उनकी मास की थी वो बिल्कुल मेथड बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रही थी है ना। तो मैं आपको बताऊं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नाइट्रोजन फास्फोरस और एर्सिनिन जो है आपके, यदि आप इन दोनों का एवरेज मास लोगे और यदि आप देखोगे फास्फोरस से मिला के तो वो आपका इसमें नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से क्या होगी जो डोवनेरर की जो ट्रायड थी वो यहाँ पे कुछ कुछ लिमिटेशन अपने बता रही थी और वो ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर थियोरिटिकल है, इसमें कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको वो याद रखिए आप। तो और इनको जो है बिल्कुल आप याद करके रखना, बहुत काम पड़ेंगे आपको, 11th में पढ़ेंगे 12th में पढ़ेंगे, इसलिए इनको जो है क्या करिए आप बिल्कुल अभी याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी आपको करना कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका पेज नंबर वही आपका 81 पे, और इसमें आपसे बोला गया है कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपको जो है तीनों जो साइंटिस्ट थे आपके उनकी सबकी लिमिटेशन बतानी है। पहले हमने न्यूटन उनकी देख ली डोवनेरर की, अभी हम देख रहे हैं न्यूलैंड की, और अब इसके बाद देखेंगे मेंडलीव की भी। तो यहाँ पे हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसकी लिमिटेशन की बात करें तो उसकी लिमिटेशन कुछ इस तरह है कि पहली तो ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। तो भाई आपने देखा होगा उनकी जो आपकी क्या थी उसको मैं टेबल को बताता हूँ, तो आप इस टेबल को देखोगे तो आप जब इसको करके देखोगे तो जो कैल्शियम एलिमेंट है वहीं तक सारे एलिमेंट जो है सही से ही बैठ पा रहे हैं, वरना ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं कुछ ना कुछ गलतियाँ इनमें है ना। आप कहीं पे देखो किसी को आगे जमाया है, किसी को पीछे जमा दिया है, कहीं कहीं रो में आपका जो है उन्होंने दो दो एलिमेंट को ले लिया है। तो आप इसको जब मिला के देखोगे तो आप सिर्फ कैल्शियम तक ही जो है सारे एलिमेंट को कह सकते हो हाँ इनकी प्रॉपर्टी एक से एक मिलती है, लेकिन किसी के संग नहीं मिलती है। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो ही एज्यूम दैट नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर। तो उन्होंने अपने समय पे 56 एलिमेंट के संग काम किया और उन्होंने ये समझा कि 56 एलिमेंट के बाद कोई से भी एलिमेंट जो है अब डिस्कवरी नहीं होने वाले। तो इस कारण भी क्या हुआ कि आगे चल के जो है हमारे कई एलिमेंट डिस्कवर हुए, आप जानते हो उस समय हमारे 118 एलिमेंट है। तो इस तरह से भी ये क्या हुआ आपका एक लिमिटेशन हो गई उनकी। और तीसरी यदि मैं बात करूँ उनके लिमिटेशन की तो टू फिट एलिमेंट इनटू टेबल न्यूलैंड पुट टू एलिमेंट इनटू वन स्लॉट और न्यूलैंड इंट्रोड्यूस अनलाइक एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इनटू वन कॉलम। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि उन्होंने एक कॉलम में एक से ज़्यादा क्या रख दिए हैं, उन्होंने एलिमेंट को रख दिया है। और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी किया उन्होंने कि जो सिमिलरिटी मिल ही नहीं रही है उनको भी उन्होंने एक ही रो में रख दिया है। तो इस तरह से आप देखोगे तो किसी भी एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि आप आयरन देखो, आयरन एक मेटल है और उनको सल्फर और ऑक्सीजन के संग रख दिया है इन्होंने। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या थी आपके जो न्यूलैंड का जो लो था उसको क्या कर रही थी, डिसप्रूव कर रही थी, या उनकी लिमिटेशन थी। और वहीं पे आपको मैं बताऊं जो आयरन था है ना, वॉच प्लेस अवे फ्रॉम द एलिमेंट दैट रिसेंबल इन प्रॉपर्टी, जैसे कि निकल कोबाल्ट के संग आपका आयरन होना चाहिए था लेकिन उसको गैस वाले के साथ। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूलैंड की जो लो ऑफ ऑक्टेव था उसकी लिमिटेशन आपको ये लिख के आ जाननी है, बिल्कुल ये सही लिमिटेशन है उनकी। और आप चाहो तो जो टेबल की मदद भी ले सकते हो उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूज़ करो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को और टू प्रिडिक्ट करो फॉर्मूला फॉर दी ऑक्साइड ऑफ फॉलिंग एलिमेंट। तो ये जो आपको एलिमेंट दिए गए जैसे कि पोटासियम है, कार्बन है ना, यहाँ पे ये AI करके है ना, और जो आपका सिलिकॉन है, बेरियम है, तो इन सभी को क्या करना है आपको उनकी ऑक्सीजन के रिएक्शन के हिसाब से जमाना है। आप चाहो तो उसमें जो है मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी भी हेल्प ले सकते हो।
तो चलिए मैं आपको पहले मेंडलीफ की जो प्रेडिक्टेबल है उसको बता देता हूँ, फिर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप, पहले तो ये जो है आपकी मेंडलीफ की क्या है प्रेडिक्टेबल है, तो इसमें आप देखोगे कि जो पोटेशियम वाला जो ग्रुप है उसमें आप देखोगे कि पोटेशियम यहाँ पे आर का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, इस तरह से ये हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये K2O बनेगा पोटेशियम के साथ। तो इसी तरीके से जो भी हमको दिए गए हैं, जैसे कि उन्होंने और क्या दिया था वो भी हम देख लेते हैं। अगला आपका दिया था उन्होंने कार्बन, तो आप जब कार्बन को देखोगे यहाँ पे, तो कार्बन के लिए आपको कौन सी रो देखना है, ये वाली। तो यहाँ पे देखोगे कार्बन किस तरह से बनाता है, CO2 करके बनाता है। तो इसी तरीके से आपको जो स्टेबल का यूज़ करना है और पूरे जो भी आपको एलिमेंट गिवन है उनको बनाना है, तो हमने उनको ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे कार्बन के लिए आप कीजिएगा, पोटाशियम के लिए एक आपका K2O बनेगा, कार्बन के लिए आपको इस तरह से बन सकता है C2O4 करके भी, या CO2 बन सकता है। एल्युमिनियम था वो आपका AI नहीं था, माफ़ कीजिएगा रॉन्ग लिखा गया आपका क्वेश्चन में। तो एल्युमिनियम के लिए आपका Al2O3 बनेगा, सिलिकॉन के लिए Si2O4 बनेगा या फिर SiO2 बनेगा, या Ba और आपका जो वेरियम था आखिरी का उसके लिए आपका Ba2O2 बन सकता है या BaO बन सकता है। तो ये सारी की सारी हमको चीज़ें मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसमें दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं जाने वाली है। चलिए इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, बिसाइड्स गैलियम, मतलब कि जो गैलियम के साथ साथ विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाई मेंडलीफ इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो आपको ऐसे कोई दो एलिमेंट बताने हैं जो कि गैलियम के साथ साथ जो है मेंडलीफ ने ऐसा बोल दिया था कि ऐसे भी डिस्कवर आगे चल के होंगे, और उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में प्लेसेस छोड़ रखी थी। ऐसे कोई दो एलिमेंट का आपको नाम बताना है, तो वो ऑब्वियसली आप जानते भी होंगे, जर्मेनियम है और स्कैनेडियम है ना, आर एलिमेंट दैट लेफ्ट बाई मेंडलीफ इन हिज पीरियोडिक टेबल सिंस इट डिस्कवरी। तो कुछ इसमें जो है ज़्यादा कुछ कठिन बात है नहीं, तो आप इसे कर सकते हो। तो क्या क्या उन्होंने छोड़ा था, जर्मेनियम को और स्कैनेडियम को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 85, आपसे बोल रहा है कि व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने किस पद्धति का उपयोग करके जो है मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, उन्होंने क्या किया कि मेंडलीफ ने कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ वेरियस कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट विद द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इन्होंने मदद ली कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संग जो भी एलिमेंट होता है वो किस तरह से रिएक्शन करता है, और अमोंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ही ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट व्हाइल क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने जो है दो तरीके से किया, या हम बोल सकते हैं दो क्राइटेरिया उन्होंने लिए, पहला तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संग रिएक्शन का, और दूसरा उन्होंने लिया कि उनके मास वगैरह किस तरह से हैं, जिसका जितना ज़्यादा मास उसको उन्होंने आगे की ओर रखते गए। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के जमाया। तो यही आपको इसमें लिखना भी है आंसर के लिए, तो वो हमने लिख चुके हैं आपके लिए, तो बिल्कुल आप याद करो, या फिर इसको समझ चुके हो तो समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 85 पे, और आपसे बोल रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। तो इसमें आपकी सोच बतानी है कि आप क्या सोचते हो कि नोबल गैस को बिल्कुल एक अलग ग्रुप में रखने से। तो यदि आप बिल्कुल जो भी सोच पा रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और यदि आप नहीं जानते उसका आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है, बिल्कुल आप समझिए, क्वेश्चन को बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होता है, फिर आपको आंसर आता है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, उसने बोला क्या है और उसका उत्तर क्या देना है, उसके बाद आंसर की ओर बढ़िए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, कि नोबल गैसेस आर प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज ऑफ दियर इनर्ट नेचर एंड लो कंसेंट्रेशन इन एटम आवर एटमोसफेयर। तो आपने जैसा जाना भी होगा, जो नोबल गैसेस होती हैं, पहली तो वो रिएक्शन नहीं करती आसानी से किसी भी जो है किसके साथ, जो भी आपके एटमोसफियर में एलिमेंट वगैरह रहते हैं उनके साथ, है ना, ये कारण भी हो सकता है उनको अलग से रखने का। या फिर हम बोल सकते हैं कि दे आर केप्ट इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल जीरो ग्रुप सो दे डू नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ग्रुप। तो हमने उसको इस कारण भी रखा क्योंकि वो दूसरी जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए उनको अलग ग्रुप में रखा है हमने। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 90 पे, और उसमें आपसे बोला गया है कि हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस
एनोमोलीज ऑफ मेंडेलिव प्रिडिक्टेबल, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने क्या क्या जो असंगति है या विसंगति है, है ना, एनोमोलेसी मतलब होती है कि क्या क्या जो है हम बोलते हैं ना डिससिमिलरिटी, तो ऐसी क्या क्या उन्होंने क्या की अलग की मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने। तो कुल मिला के इसको यदि हम दूसरे सेंस में लें तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये बोल रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आपको लिमिटेशन देखने को मिली जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसे सुधारा। तो वो आप देखिए इसका आंसर क्या क्या है। तो पहला तो भाई ये था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर और दिस रिमूव द एनोमली रिगार्डिंग सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आपने जाना भी होगा कि जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट को जमाया गया था वो किसके बेसिस पे जमा गया था, मास के बेसिस पे। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किसके बेसिस पे किया गया, आपके एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो पहली जो एनोमेलीज है वो आपको यहाँ से मिल जाती है ना। अब आप दूसरे एनोमेलीज को देखते हैं हम, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 है और निकल का आपका 28 है ना। तो ऐसा किसमें है आपका, आपने देखा भी होगा कि जो कोबाल्ट का एटॉमिक जो नंबर है वो कितना 27 है और निकल का 28 है, और जो आपका हैंस कोबाल्ट विल कम बिफोर निकल इवन थो इस एटॉमिक मास इज ग्रेटर। लेकिन आपने जो मेंडलीव की टेबल देखी होगी उसमें कोबाल्ट को क्या किया गया है, उन्होंने निकल के बाद रखा गया है। तो इस तरह से ये जो है उन्होंने गलत किया है, हमको क्या करना कोबाल्ट के बाद को निकल रखना है। तो इस तरीके से जो है उसकी दूसरी एनोमेलीस हो जाती है। और यदि हम थर्ड देखते हैं सी, तो वो है कि ऑल आइसोटॉप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर, देयरफॉर दे आर प्लेस इन द सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटॉप्स हैं उनको क्या किया गया, सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट एटॉमिक मास है ना, जो आप जानते भी हो क्या होता आइसोटॉप, तो उनको क्या किया है प्लेस किया गया है एक सेम पोजीशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इस तरह से क्या है कि जो चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हैं वो क्या हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने तो की हैं लेकिन मेंडलीव ने उनको नहीं कर पाया था। तो ये सारी कुछ खामियाँ भी थी जो कि मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थी, जिसको हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सुधारा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो जन्मदाता हैं वो है हेनरी मोसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम और व्हाट इज बेसिस फॉर योर चॉइस। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा है, आपसे ये बोल रहा है कोई भी दो एलिमेंट बताओ जो कि क्या हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनकी केमिकल रिएक्शन हो वो मैग्नीशियम की ही तरह हो, और जो भी आप ऐसे दो एलिमेंट ले रहे हो तो आप उनको किस बेसिस पे चॉइस कर रहे हो वो भी आपको बताना है। तो आप इसका आंसर देखिए, तो वो दोनों एलिमेंट आपके ऑब्वियसली कैल्शियम और बेरिलियम होने चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और बेरिलियम इसलिए हैं क्योंकि जो कैल्शियम और बेरिलियम हैं उनके पास दोनों के पास क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट सेल में होते हैं या बैलेंस सेल में होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण उनकी क्या करते हैं वो मैग्नीस के साथ जो है क्या करते हैं एक केमिकल रिएक्शन सिमिलर शो करते हैं। और इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा गया है कि कैल्शियम एंड बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम बिकॉज ऑल ऑफ थ्री एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप एंड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर सेल। तो कुछ भी इसमें कुछ कठिन बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो है कंडीशन बेस्ड है, उसमें आपसे पूछा गया है कि लिथियम सोडियम पोटासियम आर ऑल मेटल्स, दे रिएक्ट विथ वाटर टू लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस, इज दियर एनी सिमिलरिटी इन दियर एटोमिक ऑफ दियर जो है एलिमेंट्स। तो आपसे बोला गया है कि लीथियम और सोडियम पोटासियम क्या होते हैं कि पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या आप बोल सकते हो कि लाइब्रेट करते हैं, तो उनमें आपको क्या ऐसी सिमिलरिटी दिख रही है जिससे कि वो ऐसी रिएक्शन शो करते हैं तीनों के तीन। और दूसरे में आपसे बोला गया है कि हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, है ना, हीलियम आप जानते हो कि नोबल गैस है, और न्यून इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव, तो व्हाट इफ एनीथिंग डू दियर एटॉमिक हैव इन देयर कॉमन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, तो पहले के लिए तो आप जान रहे होंगे कि भाई तीनों के लिए जो आपका क्या है कि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उनकी सिमिलरिटी है एटम में। और दूसरे का आंसर कुछ इसी तरीके से है कि उनके क्या होते हैं हीलियम और न्यून का
आपस में क्या रिश्ता है कि दोनों के जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिल होती है, और वो ही आपको यहाँ पे लिखना भी है। तो पहले का आंसर यदि हम देखें तो दे हैव वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे आर वेरी अनस्टेबल, सो दे रेडली रिएक्ट विद वाटर टू लाइब्रेट हाइड्रोजन और दे आर आल्सो जो है अल्कली मेटल्स। अब मैं आपको जो बताता हूँ बी का, और बी का आंसर क्या होगा कि देयर आउटर मोस्ट सेल आर फुल लीडिंग टू हाई स्टेबिलिटी, दे रिएक्ट ओनली इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंस एंड हेंस आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो उसका आंसर आपको कोई भी जो है डिफ़िकल्टी नहीं लगी हो। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से बता रहा हूँ कि यदि आपने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ आएगा और आना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया है कि नेम करो या नेम बताना है आपको जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन दी गई है। सबसे पहला बोल रहा है कि थ्री एलिमेंट दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल, है ना। आपसे बोला गया है कि ऐसे तीन एलिमेंट बताओ जिनके क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर मोस्ट सेल में, और बी में आपसे बोला गया है कि टू एलिमेंट बताओ दैट हैव अ टू इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट सेल, और थर्ड में आपसे बोला गया है कि ना फील्ड विद आउटर मोस्ट सेल, है ना। तो थ्री एलिमेंट विद फील्ड आउटर मोस्ट सेल, तो इसके लिए बिल्कुल आपका इजी है। क्या है कि पहले के लिए तो आप जान रहे हो एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन से कौन कौन भर रहता है, जो कि आपका फर्स्ट ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटासियम हुआ, है ना। और दूसरा आपका है कि जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके पास क्या होते हैं आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी आउटर मोस्ट सेल में। और इसमें आपसे पूछा गया था कि ऐसे तीन एलिमेंट बताने जो कि उनके आउटर मोस्ट बिल्कुल कंप्लीट होती है, फिल्ड होती है। तो यहाँ से आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके नोबल गैस वगैरह, जैसे कि नियोन हो सकती है, आर्गन हो सकता है, ज़ेनन हो सकता है। तो बस इसमें इतना ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछ रहा है कि इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर दी मेटल अमोंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि थोड़ा ये है आपको समझ नहीं आएगा पहला। तो अब मैं आपको पूरा बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा इसमें हो क्या रहा है। देखिए आपसे पूछा यह गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके यदि आप बिल्कुल पहले से लेके, मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, पहले फर्स्ट एलिमेंट से लेके आप 10 एलिमेंट गिनोगे, तो आपको ऐसे मेटल बताने जो कि आपको एक से लेके जब 10 तक गिनोगे तो आपको प्राप्त होंगे। तो आपको जो प्राप्त होंगे वो कौन कौन है, वो है लिथियम और बेरिलियम आर दी मेटल जो कि अमंग दी फर्स्ट 10 एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम और बेरिलियम ही दो मेटल हम ले रहे हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा मार्क करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से आपको काउंटिंग करना है इस तरीके से, है ना। आपको कहाँ चलना है, लेफ्ट टू राइट जाना, मतलब कि हाइड्रोजन के लिए आपको क्या बोलना है, पहला है ना एक हो गया, यहाँ पे नंबरिंग भी लिखी दो। अब सीधा आपको आना है कहाँ पे, लिथियम पे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, और दस तक आप जाओगे यहाँ पे आपको क्या है, रुक जाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो ऐसे दो एलिमेंट ही आपको मिले, जैसे कि लिथियम और बेरिलियम, जो कि आपके क्या हैं, मेटल हैं। लेकिन आप इनको गिनोगे तो बेर जो बोरोन है वो भी आपका क्या होता है, मेटल नहीं होता, कार्बन भी नहीं है, नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन एक गैस है, नियोन भी आपकी एक गैस है, हीलियम भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। इसलिए एक से लेके जब 10 तक आप जाओगे तो आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो जो है लिथियम और बेरिलियम में होंगे, जो कि एक मेटल होंगे। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही सही था जो कि हमको क्या करता है, कन्फ्यूज कर देता है। तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वाई कंसीडर दियर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। आपसे बोला गया है कि आपको बताना है क्या करना है, इनकी पोजीशन को देख के कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है आपका उसको क्या हो कि सबसे कम उसको क्या हो, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा उसके पास मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे जमा के इनको, तो मैं आपको फिर से उसकी क्या बता देता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन। तो पहले आप देखिए यहाँ पे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि गैलियम, जर्मेनियम, है ना, आपका जो आर्सेनिक, और यहाँ पे ये ऐसी करके है ना, उसका नाम देख लेते हैं हम क्या है, और बी बेरिलियम है,
अब यहाँ पे देखोगे आप तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो है आपका एक चीज़ आपको देख के चलनी है कि जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो आपका क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, घटता है मेटालिक कैरेक्टर, और ग्रुप में नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। तो ग्रुप में जैसे ही नीचे जाओगे आप तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आप यदि लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा कि एमोंग द एलिमेंट लिस्टेड इन द क्वेश्चन बेरियम एंड गैलियम ही क्या हैं आपके एक्सेप्टेड टू द मोस्ट मेटालिक हैं, और उनमें से भी हम देखें तो आउट ऑफ बेरियम एंड जो गैलियम, तो गैलियम इज अ बिगर इन अ साइज एंड हैंस हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड देन बेरियम, देयरफॉर गैलियम इज अ मोर मेटालिक देन बेरियम। तो इस तरह से आपको इसमें याद रखना था, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक वाली चीज़ नहीं थी। चलो इस वीडियो में बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन थे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो उनको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।